यूपी उपचुनाव होने वाले, उसमें क्या आपकी उम्मीदवारी रहेगी? 100% और आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप लगता है कि AIM सिर्फ चुनाव के टाइम में आती है और वोट काटती है, जिससे BJP को बेनिफिट मिल जाता है, और ये भी आरोप लगता है कि आपकी BJP की बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे? मेरे भाई नहीं होगी, चार नाकार है, दो मंत्री भी हैं और दो मुस्लिम विधायक, चार विधायक हैं, चार नहीं 40 भी हो जाएं दूसरी पार्टियों के, वो सेल्फ डिपेंडेंट अगर नहीं है तो आज देख रहे हैं हमारे हालात, कोई हमारी आवाज उठाने वाला है, कोई तो हमारी आवाज बनने वाला है? एक डुमरी उपचुनाव होने वाले, उसमें क्या आपकी उम्मीदवारी रहेगी? 100% इंशाल्लाह रहमान, दारुसलाम जो हेडक्वार्टर है हमारी पार्टी का, वहाँ से बैरिस्टर साहब का, हमारे सुप्रीमो का, हमारे पार्टी के जो प्रभारी हैं, झारखंड इंचार्ज हैं जनाब माजिद हुसैन साहब, उनका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आया है, हिदायत मिली है कि हर हाल में हम डुमरी का चुनाव, चूँकि झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट हमारे मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी साहब वो लाए थे, और इंशाल्लाह हम हर हाल में ये चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आप पर और आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप लगता है कि AIM सिर्फ चुनाव के टाइम में आती है और वोट काटती है, जिससे BJP को बेनिफिट मिल जाता है, और ये भी आरोप लगता है कि आपकी BJP की बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे भाई तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे हमारे प्रेसिडेंटशिप को, जो हम लोग की टीम गठित होकर हैदराबाद से आए हम लोग, उस वक्त से हम लोग लगे हुए हैं कंटिन्यू, हम चुनाव के वक्त में, आज तो चुनाव नहीं है, आज हम बरही में आए हैं, आज चुनाव तो नहीं है, कल भी नहीं होने वाला, 2 महीने बाद 4 महीने बाद भी नहीं होने वाला ना, चुनाव नहीं है, हमारी अपनी जो पॉलिसी है, हमारा जो मिशन है कि लोगों को, मुसलमानों के साथ साथ तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछले वर्ग के लोगों को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देना, खुद मुख्तार क़यादत देना, आत्मनिर्भर नेतृत्व देना, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, ये हमारे वरिष्ठ साहब को आप हमेशा सुनते होंगे कि जब तक अपनी लीडरशिप नहीं होगी, आज चार नाकार है, दो मंत्री भी हैं और दो मुस्लिम विधायक, चार विधायक हैं, चार नहीं 40 भी हो जाएं दूसरी पार्टियों के, वो सेल्फ डिपेंडेंट अगर नहीं है तो आज देख रहे हैं हमारे हालात, कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला है, कोई हमारी आवाज़ बनने वाला है? एक बगार निकलती है उनके ज़ुबान से, किसी के ज़ुबान से नहीं, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप के लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी विल लीड एंड सक्सीड। आप अपनी पार्टी की ओर से और अपने कार्यकर्ता की ओर से आप झारखंड में किस तरह का प्रेजेंस देख रहे हैं अभी अपनी पार्टी? देखिए हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बूथ लेवल तक हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने संगठन को एक नया आयाम, नया एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, उरूज बख्श रहे हैं, बहुत निचले स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं, और आने वाले 2024 के चुनाव में इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे बगैर 2024 में कोई सरकार नहीं बन सकती इंशाल्लाह रहमान, कैलकुलेटिव हुई है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ झारखंड प्रदेश AIM के प्रदेश अध्यक्ष साकिर जी, तो आप कमेंट करके बताएं अपनी प्रतिक्रिया। आप देख रहे थे द न्यूज़ खजाना, मैं जबाज जोहार।